हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और मैंने आप लोगों को याद होगा पांच रूल बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने की, कि कैसे कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। और मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई थी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को दिखाते हैं, यानी जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कई बार JEE और नीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कोई भी आपको तीन या चार नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा नंबर मोस्ट एक्यूरेट है। तो जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा बेटा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो समझने वाला काम है वो तो हो गया है फिनिश। अब हम लोगों को करना है लिखने वाला काम। डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, रूल्स हम लिखेंगे, वो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। और देखो बेटा, डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, यहाँ से लेकर आप डेफिनेशन को यहाँ तक नोट करोगे। जल्दी से नोट करिए, ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है। जल्दी से आप नोट डाउन करिए क्या है डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई है हमारी डेफिनेशन। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास में रूल नंबर वन। और देखिए बेटा, रूल नंबर वन क्या है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रूल नंबर वन क्या है। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये है हमारा रूल नंबर वन, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जो भी नंबर जीरो नहीं है वही हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब जैसे इस नंबर में देखा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इन तीनों नंबर में से कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भी कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ है फोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल नंबर वन जल्दी से आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। और उसके नीचे आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए कि क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। 42.3 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 243.4 में चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कल मैं रूल आपको समझा चुका हूं, आज सिर्फ लिखना है आप लोगों को रूल। सो होप सो कि आप लोगों ने लिख लिया हो बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है बच्चे हमारे पास में। नेक्स्ट रूल ये है, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जीरोज होती हैं अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाती हैं, जीरोज अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाती हैं, उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट होती हैं बेटा। अब आप तीन एग्जाम्पल हैं, ये वाली जो जीरो है ये फाइव और थ्री के बीच में है, ये वाली जो जीरो है ये सिक्स के और फोर के बीच में है, ये वाली जो दो जीरो है ये फोर और फोर के बीच में है। डेसिमल को आपको नहीं देखना है, बिना डेसिमल को देखे आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ये दोनों जीरो फोर और फोर के बीच में है, ये जीरो सिक्स के और फोर के बीच में है, और ये जीरो फाइव के और थ्री के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है हमारे पास में, ये भी सिग्निफिकेंट है हमारे पास में, और ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है हमारे पास में। उम्मीद करूंगा कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई हो। तो यहाँ होंगे तीन सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ होंगे चार सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ भी होंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में रूल नंबर टू, कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर काउंट एज सिग्निफिकेंट। अब आते हैं हम रूल नंबर थ्री में। देखिए रूल नंबर थ्री क्या है बेटा हमारे पास में, लीडिंग जीरोज़
लीडिंग ज़ीरोज़ को हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, यानी किसी भी नंबर के जो पीछे की ज़ीरोज़ होती है ना, वो हमारे लीडिंग ज़ीरोज़ या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाती है। लीडिंग ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है, यानी बिना डेसिमल पॉइंट के, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के नंबर के पीछे जो ज़ीरोज़ होती हैं उन्हें हम कभी काउंट नहीं करते हैं। जैसे आप ये देखो, अच्छा लीडिंग ज़ीरोज़ की बात हो रही है, सॉरी, लीडिंग ज़ीरोज़ हमारी स्टार्टिंग वाली ज़ीरोज़ होती है, मैंने आप लोगों को मिस्टेक से बता दिया बेटा, लीडिंग ज़ीरोज़ हमारी स्टार्टिंग वाली होती है, यानी ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। मैं आपको बता रखा है ये ज़ीरो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये ज़ीरो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बेटा, पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर है हमारे पास में कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, लेकिन इन भाई साहब ने एक पॉइंट मिस कर दिया है, और वो है विद डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट है तो जो पीछे की ज़ीरोज़ होती हैं, नंबर के पीछे की ज़ीरोज़ होती हैं, यानी लास्ट की ज़ीरोज़ होती हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करते हैं बेटा। तो ये देखो आप, डेसिमल है तो ये ज़ीरो काउंट होगी, डेसिमल है तो ये दोनों ज़ीरो काउंट होंगी, डेसिमल है तो ये तीनों ज़ीरो हमारी काउंट होंगी। ये नंबर तो काउंट होने ही होने हैं, अगर डेसिमल है तो पीछे की ज़ीरो काउंट होगी, और अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर हमारी नहीं कहलाएगी बेटा। तो इसमें हो गए चार सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ हो गए पांच सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ हो गए छह सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल है तो पीछे की ज़ीरोज हम लोगों को काउंट करनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है, मैंने कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिख दिया 2400, डेसिमल तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है, तो ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है ना, ये आपको काउंट नहीं करनी है। यहाँ आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बात समझ में आ रही है बेटा। और अगर डेसिमल यहाँ होता, अगर डेसिमल यहाँ होता, ऐसे होता डेसिमल, चाहे डेसिमल की पोजीशन कहीं भी होती, डेसिमल चाहे स्टार्टिंग में होता, डेसिमल बीच में होता, डेसिमल लास्ट में है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस कंडीशन में हमें पीछे की ज़ीरोज काउंट करनी है, तो ये तीन ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी और ये दो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, यानी कुल मिलाकर हमारे पास में हो जाएंगे फाइव सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट नहीं करनी है, इसी का हमारे पास में एक एक्सेप्शन केस है बेटा, इसी का एक एक्सेप्शन केस है हमारे पास में। क्या है एक्सेप्शन केस? अगर मैंने कहीं ऐसे लिखा 2400 किलोग्राम, डेसिमल नहीं है और बिना डेसिमल के मैंने पीछे यूनिट लगा दी बेटा, डेसिमल नहीं है और बिना डेसिमल के मैंने पीछे की तरफ लगा दी है यूनिट, यूनिट लगा दी है मैंने। अगर मैंने यहाँ पीछे की तरफ यूनिट लगा दी है तो यूनिट के केस में ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट होंगे, यानी कुल मिलाकर हमारे पास में यहाँ फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर यूनिट नहीं थी तो दो सिग्निफिकेंट थे, और अगर पीछे यूनिट लगी हुई है, आइदर भी किलोग्राम, मीटर, सेकंड, न्यूटन, जूल, कुलम्ब, एम्पियर, सेकंड, कुछ भी हो सकता है, बस यूनिट होनी चाहिए। अगर पीछे यूनिट है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आपको काउंट करनी है और आपके पास में हो जाएंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर। सो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। वैसे तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको सारे के सारे रूल समझा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और आप सभी लोगों से आना ही चाहिए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर फाइव में। आप वीडियो को पॉज करके रूल नंबर फाइव अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शन जो केस मैंने आपको बताया है वो यहाँ गिवन नहीं है, इन रूल्स के अंदर दिया हुआ नहीं है, वो एक्सेप्शन केस आप अपनी तरफ से अपनी कॉपी में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर लिख लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी बेटा जो हम आपको ऑफिशियली नहीं लिखवा सकते हैं,
उन चीज़ों को आप अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मलयालम में लिखो, तमिल में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब बॉक्स बनाकर वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को लिख लेंगे। ये जो एक्सेप्शन केस मैंने बनाया है ना, यही बराबर में एक मार्जिन बनाकर वहीं लिख लीजिएगा कि एक्सेप्शन केस ये है कि अगर डेसिमल नहीं होगा तो पीछे की जीरोज हम यूनिट के केस में काउंट करेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 में। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा हमारे पास में। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि आपको पावर्स कभी काउंट नहीं करनी है, आपको पावर कभी काउंट ही नहीं करनी है, चाहे पीछे यूनिट लगी हो, यूनिट लगी हुई ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पावर आपको कभी काउंट ही नहीं करनी है। ना तो आप 10 की पावर माइनस के 2 को काउंट करोगे और ना ही आप 10 की पावर 4 को काउंट करोगे, आप बिल्कुल इसे काउंट नहीं करोगे। अब ना तो आपने इसे काउंट किया और ना आपने इसे काउंट किया, तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर बचे आपके पास में। 1, 2, 3 हमारे पास में बच गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ऐसे ही हमने पावर को तो काउंट किया नहीं बेटा, कितने नंबर बचे, 1, 2, 3 यहाँ हो गए हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बेटा कुल मिलाकर 5 रूल मैंने आपको बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा प्रेसाइज, उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। सिग्निफिकेंट निकाला कैसे जाता है, सारे रूल हमने आपको बता दिए। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर 2, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर थ्री इफ द नंबर इज लेस देन ऑफ 1, अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो डेसिमल जब स्टार्टिंग में आ जाएगा तो डेसिमल के जो आसपास की जीरोज होंगी, लेफ्ट की या राइट की, वो आपको काउंट नहीं करनी है, चाहे यूनिट हो या यूनिट ना हो, नो प्रॉब्लम। जब डेसिमल स्टार्टिंग में होगा तो डेसिमल के राइट और डेसिमल के लेफ्ट की जो जीरोज होंगी, एकदम डेसिमल के लेफ्ट और राइट की जो जीरोज होंगी, वो आपको काउंट नहीं करनी है बेटा। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है कि विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल नहीं है तो जो पीछे की जीरोज होंगी वो आपकी काउंट नहीं होगी। इसमें एक एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल ना हो लेकिन यूनिट हो, पीछे यूनिट लगी हुई हो, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, सेकेंड, जूल, कुछ भी हो सकती है, फिर आपको ट्रेलिंग जीरोज को काउंट करना है। बात समझ में आ रही है। पावर को आपको कभी काउंट नहीं करना है, और अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज आपको काउंट करनी है। तो बेटा ये सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के रूल हैं। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक छोटा सा काम। मैं आपके सामने लगभग 15 नंबर्स लिख रहा हूँ, उनमें से 5 मैं आपको जस्ट अभी कराऊंगा, बाकी का 10 आप लोगों का होमवर्क है कि आप अपने आप उनके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नंबर वन 0.002500 किलोग्राम, नंबर 2 4500.00, नंबर 3 0.000251, नंबर 4 2.510 इंटू 10 की पावर 8, नंबर 5 2.141 इंटू 10 की पावर 9 किलोग्राम, नंबर 6 2600 एंगस्ट्रॉम, नंबर 7 4534 न्यूटन, ठीक है बेटा। नंबर 8 है हमारे पास में
0.250100001, नंबर 9 0.00200001, नंबर 10 0.40501 किलोग्राम, नंबर 11 9.8 × 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नंबर 12 23.0, नंबर 13 23.00, नंबर 14 ओनली 23, नंबर 15 23.000 किलोग्राम। लो बेटा, हमारे पास में ये 15 नंबर है और मुझे लगता है कि इन 15 नंबर को करने के बाद में आपको सिग्निफिकेंट का तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपको सिग्निफिकेंट का तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन 15 नंबर को करने के बाद। अब आप एक काम करिए, इन 15 को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इनमें से 5 मैं आपको बता रहा हूँ, 10 आप लोगों का होमवर्क है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आप देखिए, नंबर 1 है हमारे पास में ये डेसिमल स्टार्टिंग में आ गया। अगर डेसिमल स्टार्टिंग में आ गया तो इन जीरोस को हमें कभी भी काउंट नहीं करना है बेटा। अगर डेसिमल स्टार्टिंग में आ गया तो डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो जीरोस हैं वो हमें कभी काउंट ही नहीं करनी है। अब अगर ये हमें काउंट ही नहीं करनी है, लेकिन डेसिमल तो है, लेकिन डेसिमल तो है और डेसिमल है तो पीछे की जीरोस काउंट होंगी। दो जीरो ये हो गई, दो ये हो गया, तो कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पीछे की जीरोस यानी ट्रेलिंग जीरोस को हमने इसलिए काउंट किया है क्योंकि यहाँ डेसिमल है बेटा, और आगे की जीरोस तो आपको कभी काउंट ही नहीं करनी है, लीडिंग जीरोस तो हमें कभी काउंट ही नहीं करनी है, इसीलिए हमने इन्हें काउंट नहीं किया है, इन्हें हमने काउंट किया है। अब आते हैं यहाँ, डेसिमल है तो ये सभी चीज़ें काउंट होंगी, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, यहाँ हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल है और डेसिमल स्टार्टिंग में है तो लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होंगी, ये जीरोस काउंट नहीं होगी। ये 3 नंबर हो गए तो यहाँ हो गए हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर तो कभी काउंट होती ही नहीं है, पावर काउंट नहीं होगी। 1, 2, 3, 4 यहाँ हो गए हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चाहे यूनिट हो या यूनिट ना हो, पावर कभी काउंट नहीं होगी बेटा, पावर कभी काउंट नहीं होगी। 1, 2, 3, 4 हमारे पास में यहाँ हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लीजिए साहब, अब मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, यानी 5 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं और 10 पार्ट का काम है आप लोगों का कि बाकी के जो बचे हुए 10 हैं वो आप लोग सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में होमवर्क बनाकर मेरे पास में आप सेंड करें। अगर इनमें से किसी नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटा सा नोट पॉइंट हम और देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये है, अगर कहीं सिंगल नंबर आपको दिया है, सिंगल डिजिट नंबर लाइक 2, सिंगल डिजिट नंबर आपको दिया है जैसे कि 2, तो क्या होता है कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सिंगल डिजिट नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 2.0000-infinity। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल डिजिट नंबर, जो नंबर सिंगल डिजिट में होता है बेटा, उस सिंगल डिजिट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत सारे, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे आप ये समझिए, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया है ओनली 5, सिंगल डिजिट नंबर है, मैंने ओनली 5 लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 5 लिखा हुआ है ओनली, क्या इसे आप 5 लिख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में आप इसे 5 नहीं लिख सकते हो। अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो इसकी एक्यूरेसी को दिखाने के लिए पॉइंट लगाकर हम इसके पीछे जीरोज बढ़ा देंगे इनफाइनाइट तक। बस आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंगल डिजिट नंबर में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग। सिंगल डिजिट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
सिंगल डिजिट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बाकी बचे हुए 10 सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे और मेरे पास में आप सेंड करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हो गया बेटा, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास में। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। नोट पॉइंट मेरे पास में ये है कि मुझे एक नंबर दिया है 24, एक नंबर मुझे दिया है 24.0, एक मुझे दिया है 24.00, एक मुझे दिया है 24.000। ये चार नंबर मुझे दिए हैं बेटा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूछा गया कि बताइए कौन सा नंबर ज़्यादा प्रेसाइज है, कौन सा नंबर ज़्यादा एक्यूरेट है, इन चारों में से कौन सा नंबर ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने आपसे कहा था कि जिस नंबर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हम एक काम करते हैं, हम इन चारों नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। यहाँ दो ही नंबर हैं तो ये हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ हो गए हमारे पास में तीन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल है यहाँ पर, यहाँ भी डेसिमल है। यहाँ हो गए हमारे पास में फोर सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ भी डेसिमल है। यहाँ हो गए हमारे पास में फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार और यहाँ पाँच। तो बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस नंबर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये नंबर हमारे पास में होगा मोस्ट एक्यूरेट। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे, सर फ़र्क क्या है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। हम कहेंगे बेटा एक्यूरेसी का फ़र्क है। इसने बताया है कि डेसिमल के थ्री प्लेसेस तक कोई वैल्यू नहीं है, इसने बताया है कि डेसिमल के टू प्लेसेस तक कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के वन प्लेस तक कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि सेकंड प्लेस पर कोई वैल्यू हो सकती है, थर्ड प्लेस पर कोई वैल्यू हो सकती है, फोर्थ प्लेस पर कोई वैल्यू हो सकती है। इसीलिए मैंने इसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बताया है और ये नंबर हमारा मोस्ट एक्यूरेट कहलाएगा बेटा। ये नंबर हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मोस्ट एक्यूरेट नंबर कहलाएगा। तो इसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का काम हो जाता है ख़त्म। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। अब आप ये समझिए कि नीट JEE का एक क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से हर साल JEE में, नीट में और आपके स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है, इस टॉपिक का नाम है राउंड ऑफ। जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, पहले समझा देता हूँ उसके बाद में हम लिखेंगे। टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ। देखो, अभी तक अगर हमें किसी नंबर को छोटा करके लिखना होता था, मतलब मान लो कि मेरे पास में कोई नंबर है, ये रहा 2.415412101, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को इतना छोटा करके लिखना होता था 10th क्लास तक, तो हम कैसे लिखते थे, हम सारे पीछे के नंबर को उड़ा देते थे, उड़ा दिया सर पीछे के नंबर को, और हमने लिख दिया कि हमारा आंसर आया 2.4, ऐसे ही करते थे भाई। सारे पीछे के नंबर को हटा दिया और हमने लिख दिया कि भाई हमारा आंसर आया 2.4। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं और आ चुके हैं 11th क्लास में, अब आपको ऐसा नहीं करना है। इन सभी नंबर्स को हटाने का एक रूल होता है, उसी रूल को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। नंबर को छोटा करने का, नंबर को राउंड ऑफ करने का एक रूल होता है,
उसी रूल को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। बस वही रूल मुझे आप लोगों को सिखाने हैं। आइए सिखाता हूँ क्या है वो रूल। बहुत ध्यान से आप लोगों को सीखना है बेटा, बहुत ध्यान से। मैं रूल आप लोगों को सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेकर, दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। एग्जाम्पल नंबर वन, 2.4517641, ये मेरे पास में एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोगों को सबसे पहले सबसे लास्ट डिजिट को देखना है, इस वाली डिजिट को। इस डिजिट को हम बोलते हैं राउंड ऑफ डिजिट। जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है ना, वो हमारी राउंड ऑफ डिजिट कहलाती है। और उससे जो जस्ट पहले वाली डिजिट होती है, जैसे ये डिजिट तो कहलाएगी राउंड ऑफ डिजिट, और ये डिजिट हमारी प्रीसीडिंग डिजिट कहलाएगी, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट। अब कैसे करेंगे काम? अब सबसे लास्ट वाली डिजिट को आप देखिए, सबसे लास्ट वाली डिजिट है वन। ये वन 5 से छोटा है या नहीं है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल 5 से छोटा है, 1 तो 5 से छोटा होता है। तो अगर सबसे लास्ट वाली डिजिट लेस देन ऑफ 5 है, यानी 5 से छोटी है, उस कंडीशन में आप उस 1 को वहां से हटा दीजिए। ये नंबर 5 से छोटा है, इसे यहां से हटा दीजिए। तो जैसे ही मैंने इसे यहां से हटाया, ये नंबर हमारा ऐसा बन चुका है। बोलिए समझ आया नहीं आया? अभी एक ही रूल मैंने आपको बताया है, अगर राउंड ऑफ डिजिट लेस देन ऑफ 5 है तो उसे वहां से आप रिमूव कर दीजिए, उसे आप वहां से हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब ये डिजिट कौन सी है हमारे पास में? 4। ये डिजिट कौन सी है हमारे पास में? ये डिजिट है 4। अब मुझे बताइए कि ये जो 4 है, ये लेस देन ऑफ 5 है या ग्रेटर देन ऑफ 5 है? आप कहोगे कि सर ये भी लेस देन ऑफ 5 है, ये भी 5 से छोटी है, तो इसे भी हटाओ यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास में 2.45176। अब बताइए लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास में? लास्ट डिजिट है हमारे पास में 6। अब बताइए ये डिजिट 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है? आप कहोगे कि सर ये तो 5 से बड़ी है। तो अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन ऑफ 5 है, यानी 5 से बड़ी है, उस कंडीशन में इस डिजिट को आप यहां से हटा सकते हैं, और इसे यहां से हटाकर इसमें एक ऐड कर देंगे आप। यानी अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन ऑफ 5 है, तो इसे यहां से हटाकर प्रीसीडिंग डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे। तो ये बच जाएगा हमारे पास में 2.4517, में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब बताइए लास्ट डिजिट कैसी है? 8। 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? आप कहोगे कि सर ये भी 5 से बड़ी है, तो इसे हटाएंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2.452। अब बताइए लास्ट डिजिट कैसी है? 2। 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? आप कहोगे कि सर 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, और अगर ये डिजिट 5 से छोटी है तो इसे हटाकर इसमें हम एक ऐड कर देंगे। सॉरी, 5 से छोटी है, माई मिस्टेक, सॉरी, 2.45, ये हो गया 2। ये 5 से छोटी है तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास में आ गया आंसर 2.45। चाहो तो और छोटा कर सकते हो इसे, वो आपको कहेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है। यहाँ तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर थे और यहाँ सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमने इसे छोटा कर दिया नंबर को राउंड ऑफ का यूज़ करके। तो अभी तक आपके सामने सिर्फ 2 रूल आए हैं बेटा। पहला रूल ये है कि अगर राउंड ऑफ डिजिट 5 से छोटी है तो उसे हटा दो वहाँ से, और अगर राउंड ऑफ डिजिट 5 से बड़ी है तो उसे हटाकर जस्ट उससे जो आगे वाली डिजिट है उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप लोग देखो, 4.514561445, ये है बेटा हमारे पास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो कैसे करेंगे। लास्ट डिजिट बताइए कैसी है? आप कहोगे कि सर लास्ट डिजिट ना तो 5 से बड़ी है ना 5 से छोटी है, 5 ही आ गई। ऐसा भी तो केस आ सकता है कि लास्ट वाली डिजिट ना तो 5 से बड़ी हो
ना 5 से छोटी हो, 5 ही आ जाए, उस केस में आपको क्या करना है? अगर लास्ट डिजिट 5 आ जाती है, फिर आपको इस डिजिट को देखना है बेटा। अगर ये डिजिट इवन है, इवन, तो इसे हटाकर इसे ऐसा ही छोड़ दो, और अगर ये डिजिट ऑड है, ऑड, तो इसे हटाकर ऑड नंबर में एक ऐड कर दो। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर लास्ट डिजिट हमारी 5 आ जाती है, ना 5 से बड़ी आती है, ना 5 से छोटी आ जाती है, 5 ही आ जाती है, उस केस में आप क्या करेंगे, इस डिजिट को हटाकर इसे देखेंगे। अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर समझते हैं ना सभी लोग, 2, 4, 6, 8, 10, 12, समझ में आ रही बात? अगर ये नंबर इवन नंबर है तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, और अगर ऑड नंबर है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। तो अब आप देखो, ये 5 और ये इवन नंबर, तो इसे हटा दो, हमारे पास में बन गया 4.514, 5, 6, 1, 4। अब मुझे बताइए कि लास्ट डिजिट क्या है बेटा आप लोगों की? लास्ट डिजिट है 4, 5 से छोटा है, हटा दीजिए इसे। ये 1 भी 5 से छोटा है, इसे भी हटा दीजिए। अब हमारे पास में आ गया 4.514, 5, 6, ठीक है। अब मुझे बताइए कि लास्ट डिजिट कैसी है बेटा आप लोगों की? लास्ट डिजिट है 6, 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो इसे हटाकर यहाँ एक ऐड कर दो, आंसर आ गया 4.514, 5 में एक ऐड करोगे 6। अब यहाँ देखो, लास्ट डिजिट कैसी है? 6, इसे हटाओ और यहाँ एक ऐड कर दो, ये आ गया 4.515। लास्ट डिजिट कैसी है? 5, जब लास्ट डिजिट 5 आ जाए ना बेटा, तो इस वाली डिजिट को देखते हैं, अगर ये ऑड है, 1 ऑड होता है, अगर ये ऑड है तो इसमें एक ऐड कर दो, और अगर ये इवन है तो ऐसा ही छोड़ दो। देखो लास्ट डिजिट आ गई है 5, 5 आने पर हम इस डिजिट को देखते हैं, इसको, ये 1 तो ऑड है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4.52। ये हमारा आंसर होगा बेटा, इस पूरे का आंसर हमारा ये होगा, हमने इस पूरे नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब बताइए आप लोगों को बात समझ आई या नहीं आई? एक और एग्जांपल, फिर रूल लिखवाएंगे आप लोगों को, एक और एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको रूल लिखवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 3, देखो बेटा थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे पास में, 6.512145142, ये नंबर है हमारे पास में, हमें इसे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी इतना बड़ा नंबर है, हमें इस नंबर को छोटा करना है, और छोटा करके इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होने चाहिए, हमें इसे इतना छोटा कर देना है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, लास्ट डिजिट क्या है? 2, 5 से छोटी है, हटा देते हैं। फिर क्या है? 4, 5 से छोटी है, हटा देते हैं। फिर क्या है? 1, 5 से छोटी है, हटा देते हैं। इन तीनों डिजिट को हमने हटा दिया, क्योंकि तीनों की तीनों डिजिट लेस देन ऑफ 5 है। अब हमारा नंबर ऐसा बच चुका है बेटा, ठीक है। अब बताइए मुझे लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है 5। जब लास्ट डिजिट 5 आ जाती है तो हम इस डिजिट को देखते हैं, इस डिजिट को, अगर ये इवन हुई, इवन नंबर, तो 5 को हटाकर ऐसा ही छोड़ देंगे, और अगर ये ऑड हुई तो 5 तो हटाना ही पड़ेगा, ये 5 तो हटाना ही पड़ेगा, ऑड हुई तो उसमें एक ऐड कर देंगे, और अगर इवन हुई तो ऐसा ही छोड़ देंगे। ये देखो, ये 5 तो हमें हटाना ही पड़ेगा, ये 4 कैसा नंबर है? इवन, तो 5 को हटाकर 4 को ऐसा ही छोड़ देंगे, आंसर आ गया 6.5121। अब आप देखो बेटा, ये नंबर 5 से छोटा है, हटाइए, ये नंबर 5 से छोटा है, हटाइए। अब मेरे पास में बच गए हैं 3 नंबर, 3 नंबर का मतलब है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन इस नंबर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इतने बड़े नंबर को मैंने छोटा करके, राउंड ऑफ करके इन 3 नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे हम राउंड ऑफ करेंगे बेटा, जल्दी से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। अब मैं कुछ नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप लोगों का होमवर्क है राउंड ऑफ करने का, फिर उसके बाद मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा बेटा, ठीक है। क्या है नंबर, जरा समझिएगा।
2.541256। सेकंड नंबर है आपके पास में 4.521650। थर्ड नंबर है 4.501265। फोर्थ नंबर है 5.612101.05। फिफ्थ नंबर है 1.1 1.2145 2510। सिक्स्थ है 7.21050551। ये है बेटा हमारे पास में 6 नंबर। ये 5 तो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ये 5 तो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ये एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन पांचों नंबर को राउंड ऑफ करना है आपको, इन पांचों नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, यानी वहां तक छोड़ना है जहां इनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इन्हें राउंड ऑफ करना है, इन पांचों नंबर को। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब ये क्वेश्चन एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए लास्ट नंबर क्या है, 0। 0 तो 5 से छोटा होता है, बताओ होता है या नहीं होता है, तो हमने इसे यहां से हटा दिया। ये क्या है, 6। 6 5 से बड़ा है, 6। देखो 6 5 से बड़ा होता है या नहीं होता है, तो इसे हटाकर इसमें एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में बनेगा 2.54121, ये बन गया 6। अब ये क्या है, 6 6 था ना बेटा, 5 से बड़ा था, तो इसे हटाकर हमने इसमें एक ऐड कर दिया। ये 6 ये भी 5 से बड़ा है, तो इसे हटाकर इसमें एक ऐड कर देंगे, ये आ गया 2.54122। अब आप देखो ये भी 5 से छोटा हटाइए, ये भी 5 से छोटा हटाइए, ये भी 5 से छोटा हटाइए, हमारे पास में बच गए सिर्फ 3 नंबर, 1 2 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में बचे हैं, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ कर दिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लोगों से पूछा है। बस ये समझ लो कि इन सभी क्वेश्चन में हमसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछ रखा है, तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इन्हें राउंड ऑफ कर दिया है। बाकी जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो आपको गिवन मिलेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के मैंने 3 रूल बेटा आपको बताए हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो उसे हटा दो, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो उससे जो जस्ट पहले वाली डिजिट है उसमें एक ऐड कर दो, लास्ट वाली डिजिट को हटा दो और उसमें एक ऐड कर दो, उससे पहले वाली डिजिट में एक ऐड कर दो। अगर लास्ट डिजिट 5 है फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसे जस्ट पहले वाली डिजिट यानी प्रीसीडिंग डिजिट आपको देखनी है। अगर इवन है तो ऐसा ही छोड़ दो, और अगर ऑड है तो उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। ये हमारे 3 रूल हैं बेटा किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के। पहले आप इन्हें लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर मैं आपको रूल लिखवाने स्टार्ट करता हूं। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और अभी तक तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि सभी बातें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई है, मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हैं। अब हम इसके राउंडिंग ऑफ के ना रूल पढ़ते हैं बेटा। देखो राउंडिंग ऑफ के रूल क्या है हमारे पास में। राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है हमारे पास में, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, ठीक है। जैसे ये जो नंबर है ये राउंड ऑफ डिजिट है, ये 2 है यानी 5 से छोटा है, तो इसे हटा दिया हमने और इसे लिख दिया 7.8। जैसे ये नंबर है हमारे पास में, ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, 4 को हटाकर हमने लिख दिया 3.9। रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ से अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, यह है आपका रूल नंबर 1।
ऐसे ही आप देखिए बेटा, रूल नंबर टू क्या है आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, यानी जो लास्ट वाली डिजिट है जिसे हम राउंड ऑफ डिजिट बोलते हैं, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है उस कंडीशन में, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, जो लास्ट वाली डिजिट है उसे हटाकर प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। जैसे आप इस नंबर को देखो, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इस 7 को तो यहाँ से हटा देंगे, जो 7 से पहला नंबर है 8 उसमें एक ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6.9। अब जैसे ये है नंबर हमारे पास में, ये लास्ट वाली डिजिट आप देखो क्या है, 8, 5 से बड़ी है ना, तो इसे हम यहाँ से हटाकर इसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 12.8। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये है रूल नंबर 1 और ये है रूल नंबर 2। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 में, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे हमारे पास में ये आ गया नंबर, ये 1 तो हम हटा ही देंगे क्योंकि 5 से छोटा है, ये क्या है 5, और 5 से जस्ट पहले वाला क्या है 3, ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16.4। अब आप यहाँ देखिए बेटा, ये क्या है 8, दिख रहा है ना आप लोगों को, 8 को हटाओ यहाँ आ जाएगा 6, फिर 6 को हटाओ यहाँ आ जाएगा 8, आंसर बन जाएगा 6.8, वही रूल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नहीं कुछ अलग बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ द डिजिट इज इवन, अगर उससे पहले वाली डिजिट इवन है, जैसे ये 5 है और ये 2 है, 2 तो इवन नंबर है, तो 5 को हटाकर आंसर बन जाएगा 3.2। तो ये सारे रूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बेटा, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों का काम यह है कि इन सभी रूल्स को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, और वो जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उन्हें आप लोगों को ट्राई करना है अपने आप से, और मेरे पास में होमवर्क सेंड करना है। तो आज की क्लास में हमने एक तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को लिखा है बेटा, एक हमने आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स को समझाया है। अब नंबर को छोटा करने के लिए हम रेंडमली नंबर को छोटा नहीं करेंगे, नंबर को छोटा करने के भी हमारे पास में साइंटिफिक तरीके हैं जिन्हें हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स बोलते हैं, उन राउंडिंग ऑफ के रूल्स को अप्लाई करके हम नंबर को छोटा करेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए दो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर और एक राउंडिंग ऑफ। अब इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीज़न पर, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, इन पर हम इन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, आज की क्लास हमारी इतनी ही है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ बेटा कि आप लोग अपना होमवर्क, देखो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, अगर आप हमारी बात मानते हो तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, फिज़िक्स पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, फिज़िक्स पढ़ने के लिए आपका बहुत बुद्धिमान होना बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आपका चीज़ों को अलग तरीके के नज़रिए से देखना मेरे लिए तो मैटर नहीं करता है। फिज़िक्स पढ़ने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो बच्चे की प्रैक्टिस बड़ी शानदार होनी चाहिए, चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए बच्चा, जितना वो लिख लिख कर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा फिज़िक्स, इतना उसके दिमाग के अंदर घुस जाएगी बेटा बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आ रही बात आप लोगों को, एक डाउट पूछने वाला होना चाहिए, जहाँ भी उसके मन में कोई सवाल उठे कि ये चीज़ यहाँ से कहाँ से आ गई, ये चीज़ क्यों नहीं हुई, वो डाउट क्लियर करने वाला होना चाहिए। और जो बच्चा इन दो मूल मंत्र को पकड़ कर चलेगा ना, जीवन में हमेशा कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे। तो इन दो बातों को बेटा आपको पकड़ कर चलना है, रूल नंबर 1 कि खूब प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है उन्हें लिख लिख कर देखिए, और दूसरा ये है कि हल्का सा भी दिमाग में जब डाउट बनता है कि भाई ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ कहाँ से आ गई, उस डाउट को तभी के तभी तुरंत हमसे क्लियर करिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग।